वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। इससे पहले यानी वो अभी जुमातुल फिदा आएगा तो इसमें मेरी मांग है कि यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पुरमन रखने के लिए जो जाम मस्जिद पर जो अभी जिक्र किया गया कि इन्होंने चढ़ाने की जल चढ़ाने की बात करी, तो बहरहाल अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हज़ारों आदमी का खून चढ़ जाएगा मुसलमानों का, ये बतलाता हूँ। अगर इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेगा मुसलमान, लेकिन बहरहाल हम अमन चाहते हैं। भाई ऐसी बात क्यों करते हो, क्यों हालात पैदा करते हो? तो मेरी गुजारिश है कि एडमिशन इसमें अलर्ट रहे और ये उसके दिन भी जो जुमतुल विदा होगा, जुमे की नमाज होगी, उसमें बहुत आदमी होगा, वहाँ पर माकूल इंतजाम होना चाहिए बिजली पानी का सबका, और ईद के दिन भी माकूल इंतजाम हो। ईद एक बहुत पुरमन और मोहब्बत का त्यौहार है जो दूसरों को भी मोहब्बत का सबक देता है, तो इसलिए इन हालात में मेरी यही आप इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर मांग है कि ये इस बात का ध्यान रखें, इसमें गफलत न बरतें। अभी पिछले दिनों में ये दो वाक़े जो हुए, एक मस्जिद पर रंडा लगा और जामा मस्जिद पर जल चढ़ाने की बात की गई, तो देखिए मुसलमानों को हमने बहरहाल समझा बुझा कर बहरहाल कोई हालात बिगड़ने नहीं दिए, और नहीं हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते, लेकिन जब हमें मजबूर किया जाएगा तो फिर काबू से बाहर हो जाएगा तो फिर हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। बस यही गुजारिश है कि इस पर ईद पर और अलविदा पर माकूल इंतजाम रहना चाहिए, बिजली पानी का सफाई।